गौरक्षा व उससे जुड़े कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, पूछने वाले हैं श्रीमान मदन दास जी, स्मृति जी, प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी। गाय के प्रश्न पर, मॉब लिंचिंग क्या उचित है, गौरक्षा कैसे होगी, गौरक्षा कानून लागू नहीं होते हैं, गौ तस्करों के हौसले बहुत बड़े हुए हैं, गौ रक्षा करने वालों पर हमले होते हैं, इन सब का क्या समाधान है? गाय का क्यों किसी भी प्रश्न पर कानून हाथ में लेना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये अत्यंत अनुचित अपराध है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए। परंतु गाय, ये परंपरागत श्रद्धा का विषय तो है ही, मानव बिंदु माना जाता है, गाय, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ उस शास्त्र को, उसके हवाले से कह रहा हूँ। अपने देश के छोटे किसान जो बहुसंख्या में हैं, उनके अर्थायाम का आधार गाय बन सकता है, दूसरा कुछ नहीं बन सकता। अनेक ढंग से वो गाय उपकारी है, अब सारी बातें बाहर आ रही है, ए टू मिल्क की बात होती है, पहले नहीं थी, अब मालूम हो गया विज्ञान को। तो गौरक्षा तो होनी चाहिए, संविधान का भी मार्गदर्शक तत्व है, तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन गौरक्षा केवल कानून से नहीं होती, गौरक्षा करने वाले देश के नागरिक गाय को पहले रखे, गाय को रखेंगे नहीं और खुला छोड़ देंगे तो उपद्रव होगा, जो गोरक्षा के बारे में आस्था पर प्रश्न लगता है। इसलिए गो संवर्धन, इसका विचार होना चाहिए। गाय के जितने सारे उपयोग हैं सामान्य रोजमर्रा के जीवन में, वो कैसे आज लागू किए जाए, कैसे उसका ज्ञान दिया जाए, कैसे तकनीकी का उपयोग करके उसको घर घर तक पहुंचाया जाए, इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। वो गौरक्षा की बात करते, वो लिंचिंग करने वालों में नहीं है, वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सात्विक प्रकृति के लोग हैं, केवल संघ के संयोजक भी नहीं है, पूरा का पूरा जैन समाज इस पर तुला है, और भी अनेक लोग हैं, अच्छी गौशालाएं चलाने वाले, भक्ति से चलाने वाले मुसलमान भी अपने देश में बहुत जगह है। तो इन सब लोगों को लिंचिंग के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहिए, उनके कार्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के सामान्य व्यक्ति के हित का काम है, अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आधार साबित हो सकता है। और इसलिए गौ तस्कर हमला करते हैं तो उसको भी, अब लिंचिंग पर आवाज़ करते हैं और गौ तस्कर हमला करते और हिंसा करते उस पर आवाज़ नहीं होती, ये दोगली प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। इन सबका समाधान यही है, गाय के बारे में लोगों में जागृति लाना, उसके क्या क्या उपयोग है, हो रही है, बढ़ रही है, और सारी बातें आजकल कागजों में नमूद है, वैज्ञानिकों में शोध हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, और गौरक्षा का काम करने वाले लोग सात्विक प्रवृत्ति से इस एक काम को बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ेगा। जो उपद्रवी तत्व है उनके साथ जोड़कर इनको देखना नहीं, इतना कर ले हम और समाज को जागरूक करें तो गौरक्षा का काम होगा, देश का लाभ होगा, और गाय के सान्निध्य का ये प्रत्यक्ष अनुभव है, हाथों से गौसेवा करने वाले की आपराधिक प्रवृत्ति कम हो जाती है, जेल की गौशालाओं में ये प्रयोग हो चुके हैं, तो देश का ये अपराध वगैरह भी कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।